निकलना चाहिए, बाहर आना चाहिए। नहीं आता है, नहीं आता है तो वो अंदर चौड़ा होता है। समझने के आधार से कि भाई चौड़ा नहीं होना चाहिए जितना जितना मैं अभी आखिरी तो एक कंट्रोलर दुनिया में होगा या नहीं होगा? एक तो होगा ही होगा। अब जब हमें मालूम है कि एक होना ही होना है तो हम पहले से ही क्यों मसाला बनाए ऐसा बोल रहे हैं जिससे हम कहीं गोचा न खा दें। तो मुरली का अध्ययन अभी जो मैंने किया उसमें ऐसे ऐसे पॉइंट मिल रहे हैं, जैसे राम शिव बाबा को कहते हैं राम परमपिता परमात्मा। जब राम शिव बाबा को कहते हैं तो उसमें बाबा भी है शिव भी है। हाँ, शिव माने बिंदी भी है, बाबा माने शरीरधारी भी है, तो वो तो राम है। हाँ, नहीं, राम। मेरा एक नाम है शिव, वो कभी बदलता नहीं। फिक्स नाम है, वो कभी बदलता नहीं। जब शरीर बदलते तो राम नाम भी बदल जाता, नाम नाम भी बदल जाता है। वही मैं कहना चाहता हूँ, राम बाप है, ये पांच महावा के माँ बाप, राम बाप है, मुरली के माँ बाप के, राम शिव बाबा है, राम परमपिता परमात्मा है, राम शिवराम है, शिवराम है, राम भगवान है और राम ईश्वर। ये पांच महावा के मेरे पास मुरली में है, बराबर है। एक ही बात, तो ये एक ही बात होगी सर। अब ये राम है, मुरली में शिवराम है। अब ये पांच चीजें जब मुरली में आती है तो हमारे लिए ये पांच चीजों का अर्थ जो मैं निकालता हूँ कि राम की निराकारी से जब 100% शिव समान हो जाती है तो शिव और राम में अंदर अंतर में कोई अंतर मिला के एक। हाँ, तो मतलब शिव और राम में कोई अंतर कोई बता नहीं सकता कि ये शिव है कि राम है। तब हम ये पांचों टाइटल जो हैं वो राम की निराकारी तेज को, क्योंकि हमने शिव को देखा नहीं। अच्छा सॉरी, हमने शिव को देखा नहीं बाबा, तो हमने जब शिव को देखा नहीं, हमारे अपनी आत्मा में दिखाई पड़ती है। हाँ, तो हम राम की निराकारी तेज को अगर ये सब समझते हैं कि ये पांच जो तेज है वो राम की निराकारी तेज, अब राम मतलब परमात्मा हमारे लिए परमात्मा हो गया। आपके लिए परमात्मा, हमने चाहते आपके लिए परमात्मा, हमारे लिए परमात्मा परम पाठधारी के रूप में परमात्मा के ठीक, लेकिन परम पिता नहीं हुआ। नहीं, परम पिता नहीं हुआ परमात्मा हमारे लिए। राम जो हो गया वो ईश्वर का साकार रूप हो गया। तो क्योंकि मुरली ने बोला है कि राम के लिए बाबा शिव है और बाकी के लिए बाबा हमारे लिए राम वाली आत्मा। जब 100% निराकारी स्टेज बन जाती है, राम शिव बाबा का रूप बन जाता है, तो वो शिव बाबा हो जाता है। तो जब राम शिव बाबा हो जाता है तो मेरे दिमाग में कंफ्यूजन एक ही आता है कि राम जब शिव बाबा हो गया तो फिर भारत कौन है? क्योंकि मुरली में जो भारत सबसे पतित बनता है, जो भारत सबसे पावन बनता है, वो शिव तो न पतित बनता है न पावन बनता है। हाँ, शिव तो पतित, तो उसकी बात ही नहीं है। तो राम जब ये तन के अंदर जब राम 100% निराकारी पहुंच जाता है तो ये तन जो है ये तन का मालिक कौन हो जाता है? क्योंकि जब तक ये तन का मालिक कोई और, शिव शंकर एक हो जाता है। बाप बाप आकर इस धरती पर आप संबंध बना देते हैं। इनको भारत के बारे में पूछना है, बहुत सबसे जाती पतित होता है, जो सबसे जाती पावर होता है। नहीं बाबा, वही मानने वो नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक तन के अंदर तीन कार्य कर रहे हैं, जो कर रही है उनमें ओवर पावर ऊपर की कौन काम कर रहा है? तीन कार्य कर रही है, तीनों आत्माओं का ऐसी समझ में नहीं बाबा, मेरे को समझ में नहीं आता। इसलिए मैं अपना ये पूरा बचपन से आदत है कि कोई भी चीज है ना मैं चित्रों के द्वारा अपने आ जाओ दीपक भाई इधर आ जाओ। ये शिव राम और कृष्ण, अब ये तीन आत्मा में शिव ने जो कुछ बोलना था वो दादा लेखराज के तन से शिव ने बोल दिया, उसको मुरली कह देंगे हम, कागज की मुरली। ये मुरली के मावा
अब ये मुरली के महावाक्य का मेरे को कंफ्यूजन है कि ये मुरली के महावाक्य का एक्सप्लेनेशन जो है, हेलो क्या लिमिट है वो दूसरे नेचर में कुछ लिमिट लगाई होगी कि कब तक ये पतित है। लेकिन हमारी बात का भी जवाब आपके जवाब का सीधा सवाल जवाब है कि मैं राम की आत्मा को पतित समझता ही नहीं हूँ। मेरे को इस जन्म में प्रूफ बताइए कि राम की आत्मा पतित है। देखो ये बात हमने आठ साल पहले एक वीर भद्रप्पा भाई था उससे सुनी थी, वाला कोई चीज नहीं है। जो राम वाली आत्मा है वो ही पुरुषार्थ करके भगवान बन जाए। मैं भी यही मानता हूँ, मेरे लिए राम बाबा है। आपके लिए ये है, उनके लिए वो है, उनके लिए वो है, उनके लिए ऐसा है, उनके लिए वैसा है, ये तुमने तुमसे मतलब भिन्न वाली बात हो रही है। सुनो अच्छा, हमारी बात सुन लो, हमारा अनुभव हमें जो सच्चाई मिली है, बाबा ने जैसे बोला यदि कि आज में पूरा ध्यान नहीं था सामने, सामने आया ही नहीं, इसलिए राम वाली आत्मा तीनों दिन पहले अभी ज्ञान का सारा भंडार आ गया। माँ के रूप से सारा ज्ञान का भंडार आ गया, तो ज्ञान का जो भंडार आया वो ग्रास पर राम वाली आत्मा ने ब्रह्मा के थ्रू किया या अपने आप किया? राम वाली आत्मा ने मुरली का अध्ययन करके जब ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा, आधार लिया ना किसी मुरली का, जो भी आधार लिया, हाँ, जो भी आधार लिया वो आधार किसका लिया? वो मुरली कहाँ से आई? वो शिव की मुरली, शिव की तो है, हाँ, ब्रह्मास्तन द्वारा, हाँ ब्रह्मास्तन द्वारा। लेकिन निमित्त कौन बने? ब्रह्मा का तन निमित्त बना, ठीक है, और मुरली को ग्रास करने के लिए कोई आत्मा तो निमित्त होगी जो उसको पूरा ग्रास कर सके, जिसको टीचर के रूप में होते हैं, वो बाप भी है, वो एक ही तन टीचर भी है, वो एक ही तन सर भी है, एक ही शरीर के द्वारा ब्रह्मा जी के द्वारा नहीं, वो बाप की शक्ति है, वो माँ है, माँ के द्वारा गीता ज्ञान आया, अमृत नहीं आया, मंथन नहीं आया। तो जब मंथन आता है तब वो टीचर भी है, वो बाप भी है, वो सदगुरु भी है। अब जब ये तीनों बातें एक शरीर के द्वारा आ जाती है, प्रत्यक्ष हो जाती है, तो ये साबित हो जाता है कि राम वाली आत्मा अपना पुरुषार्थ करके शिव नहीं बन जाती, अल्पकाल के लिए थोड़े समय के लिए संसार में दिखाने के लिए कि हाँ कोई बाप समान भी बन सकता है, थोड़े समय वो सदा शिव हो जाता है। हाँ, बाकी 5000 साल जो है वो राम वाली आत्मा जवर प्योर बन करके रहे, ये संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं, ये बात मैं एक्सेप्ट किया पूरा। तो राम वाली आत्मा ही शिव है, ये बात राम हो जाती है। तो अब मेरे पास जो कुछ थोड़ी बहुत दलील है वो मैं आपके सामने, 1969 में ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा और सारी मुरलियां शिव की लिखित फॉर्म में आई, वो लिखित फॉर्म में 1969 या समझो 1970 से वीरेंद्र देव दीक्षित ने पढ़ना शुरू की, और वो इस हाँ नहीं उन्होंने अध्ययन करना शुरू किया अपने अपने तरीके से, हर आत्मा ने ये, और खास करके वीरेंद्र दीक्षित जब टीम पे आए तो उन्होंने जब ये पढ़ना शुरू किया तो सबसे पहले इस मुरली को पढ़ने के बाद सबसे पहले कौन सी सोच को रियलाइजेशन हुआ कि मेरा पार्ट राम का है, जिसने पढ़ना शुरू किया वीरेंद्र देव दीक्षित का तन उस समय राम वाली सोल चला रही। तो राम वाली सोल ने 1970 से लेकर 73 तक जो पढ़ना शुरू किया उसका प्रूफ है मुरली में कि 73 में आया कि बाप वानप्रस्थी हो गए
और आज से जो काम बाप का था वो बच्चे का हो गया। तो 70 और 73 के बीच में ये 3 साल वीरेंद्र देव दीक्षित बाप अव्यक्तवाणी 73 की अव्यक्तवाणी में आया। हाँ, तो ये मेरे को पूछना है कि इस 73 में सबसे पहली बात तो 73 में जब राम बाप को, राम वाली सोच को जब अपना पता पड़ा कि मेरा ही पार्ट परमात्मा पार्ट है या मेरा ही पार्ट है निराकारी अवस्था को 100% प्राप्त करना, तो उसको वो अवस्था प्राप्त करने से पहले साकारी से उसको आकारी होना पड़ा। सॉरी बाबा, मैं क्या है वो प्रोफेसर रह चुका ना, तो वो एक्सप्लेन करने के लिए ना थोड़ा काम। अच्छा, तो ये निराकारी अवस्था प्राप्त करने के लिए राम वाली सोल को आकारी बनना पड़ा, वाणी से परे जाना पड़ा, क्योंकि साकारी से राम वाली सोल आकारी नहीं, निराकारी नहीं बनता। तो 73 से ब्रह्मा ने एक अवैध वाणी में इशारा दे दिया बच्चों की बाप वानप्रस्थी हो गया। अब मेरे को ये पूछना है कि ये इशारा कौन से बाप की तरफ था? ब्रह्मा जो माउंट आबू में जाके इशारा दे रहा है, तो शिव तो वाणी से परे हो नहीं सकता, तो वाणी से परे राम बाप हो गया। उसने उस दिन अपना स्वयं गुरु का जन्म ले लिया, अपना स्वयं जन्म ले लिया। स्वयं जन्म लेने का मतलब है उसने मुरली के आधार से अपना स्वयं पार्ट पहचान लिया कि मेरा राम का पार्ट है। इसलिए तो राम ही जब अंत में शिव पुरुषार्थ करके 73 से लेकर 2009-10 तक या जब भी आगे चल के जब वो पूरा निराकारी स्थिति को प्राप्त कर लेगा, तब वो स्वयं को बुलाएगा। उसने शरीर ने पहचान लिया कि मेरा पार्ट राम शिव बाबा है। स्वयंभू मतलब जब वो उसकी शिव की जयंती होगी। अंत में क्या बोला है? अंत में मुरली ने बोला है कि शिव जयंती सो कृष्ण जयंती सो गीता जयंती। तो ये तीनों जयंती जब अंत में 2010 बोलो या 2000 जब भी बोलो, उस समय जब राम 100% निराकारी स्टेज का हो जाएगा, तब हम बोलेंगे कि शिव की जयंती हुई, क्योंकि हम बिंदी की जयंती कभी मना ही नहीं सकते। हमारे लिए तो पुरुषोत्तम संगम युग जब बनेगा इस दुनिया के लिए, तो हमारे लिए, हम बच्चों के लिए वो एवरलास्टिंग शिव हो गए। हमारा बाबा सीधी सी बात ही है, राम वाली आत्मा ने जो मनन चिंतन मंथन भी किया उसके लिए कोई आधार लिया कि नहीं लिया? और जो आधार मुरलियों का लिया, वो मुरलियां चलाने के निमित्त कौन बना? ये निमित्त वाली बात जो है ना, ये हमेशा डाउन करती है आज न समझना। ब्रह्मा बाबा ने भी इतना ही नहीं समझा कि हमारे साक्षात्कारों का अर्थ डिक्लेयर करने के लिए कौन निमित्त बना, वो ही हमारा सब कुछ। इसलिए वो पूछा था, अगर ये बात उनकी कुछ में बैठ जाती, निमित्त को मानना बहुत जरूरी है। माँ बाबा निमित्त बने, माँ की रूप में निमित्त बने। मुरली अगर उनकी शिव ने न चलाई होती तो ज्ञान देने वाला कौन? ब्रह्मा या सुप्रीम सोल शिव? सुप्रीम एसी जो है आत्मिक रूप में शिव की है या राम की आत्मा की? राम की आत्मा जब सुप्रीम एसी होती तो पिछले जन्म क्यों फेल हो गया? थोड़ा सा मैं बता कि पूरे कल्प में सदा कायम एक शिव बाबा, पूरे 5000 साल द्वापर द्वैतवादी युग शुरू होता है, तब से वो आत्मा विधर्मियों से टकराते टकराते टकराते, जैसे अभी शूटिंग पीरियड में देखा जा रहा है, जब से आती है ज्ञान तब से लगातार टकराती है, टकराते आखिरी जन्म तक भी टकराती है, और टकराते जब आती हो जाती है तब वो पुकारती है, और उसके पुकारने से ही सेवा जाती है। तो शिव अलग तक तो है, मैं इसको 100% मानता हूँ, बताने जा रहा था शिव को मैं नकारता नहीं हुआ। अब पुकारने वाला कौन है ये पूछा ना, तो समझ में आएगा। शिव को ये राम वाला सोल, राम वाली तन है 84 जन्म वाली, और ये तो सदा काम रहने का मतलब, सदा काम रहने का मतलब ये है कि गॉड इज ट्रुथ। ये किस सेंस में विशेष बोल वाला कहा गया है? गॉड इज ट्रुथ हिंदू में भी बोला है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य को ही भगवान कहा जाता है, सत्य ही शिव भगवान कहा जाता है।
तो उस आधार पर वो आत्मा अंत तक टकराते टकराते सत्य में पीछे नहीं हटती, झूठ को स्वीकार नहीं करती, इसलिए सदा शिव माना शिव बाबा सदा कायम है। बाकी ऐसा नहीं है कि वो सुप्रीम सोल इस शक्ति पर सदा कायम है। सुप्रीम सोल तो होली में ही बोल दिया, मैं तो 5000 वर्ष के बाद जाकर के साक्षी होकर के बैठता हूँ, शिव बाप साक्षी हो जाएंगे और तो बच्चे राम प्रतिज्ञा में साथी हो जाएंगे, बाप दादा साथी हो जाएंगे। या तो आपको मुरली माननी पड़ेगी या तो आपको अग्रतवाणी माननी पड़ेगी, दोनों मानेंगे तो ये तो बोले राम राम और कृष्ण धूल चटते हैं, क्यों बोले राम और कृष्ण धूल चटते हैं, धूल माने 5 करोड़ चोरी मन के हाथ में सब कुछ न कुछ आकर के संग के रंग में लग जाती है, एक अलग बात चाटना अलग बात, देह अभिमान में आ जाना, 5 विकारों को भोगना एक अलग बात, लेकिन झुक जाना ये एक अलग बात। अगर मैं समझो शिव बिंदी के प्रति मैं कोई प्रीत जुटा नहीं पा रहा हूँ, प्रीति नहीं होती है बिंदी के साथ, तो प्रीति है, ये गलत बात है, प्रीति शरीर के साथ, तो अगर शरीर होगा तो प्रीति होगी, शरीर होगा तो घृणा होगी, शरीर होगा तो दुश्मनी होगी, शरीर नहीं है तो कुछ भी नहीं, भारत ना रथ के कैसे कुछ भी हो सकता है। तो वही शिव बिंदी को के इस शरीर के अंदर भी अगर मैं शिव बिंदी के साथ प्रीत नहीं जुटा पा रहा हूँ, तो मैं अगर सिर्फ राम की निराकारी स्थिति को शिव मानकर उस राम के साथ जिस राम के साथ मुझे 84 जन्म बिताने हैं, अगर मैं उसको याद करूँ तो मेरा क्या नुकसान है? नुकसान ये है कि हम साकार में निराकार को याद करने नहीं पाए, बाबा ने जैसे बोले ना, तो ऐसे ही समझो ये ब्रह्मा नहीं तुमको डायरेक्शन देता है, ऐसे समझो ये ब्रह्मा नहीं बोलता है, तुम ऐसे समझो शिव बाबा ही बाबा है, तो शिव को याद रखेंगे तो तुम यही रहेंगे, तुमको क्या पड़ी है जो पतित को याद करो, पतित को क्यों देखना, सबको क्यों देखना, शिव को देखो ना, और सबको भी चैतन्य बनाने वाला है, तुम क्यों देखना, हमें तो वो जो ढांचा है, ढांचा बनाया, उस ढांचे में चलाने वाला कौन है? मैं उस ढांचे में चलाने वाले को मैंने बहुत कोशिश की बिंदी को देखने की, लेकिन मेरे को राम की निराकारी अवस्था ही नजर आई, तो फिर यही कहेंगे मेरे को राम फिर ऐसे ही कहेंगे कि जैसे धर्म पिताए हैं वो नहीं मानते हैं साकार को, अंत तक नहीं मान पाते, वो स्थिति साकार को, मैं तो साकार को वो साकार को नहीं मानते, नहीं मान पाते, इसलिए वो द्वापर युग में आते हैं, सत्युग त्रेता में नहीं आते। तो मैं तो बिंदी को मान ही नहीं रहा हूँ, मैं तो राम की निराकारी स्थिति को भगवान मानता हूँ, लेकिन आप उसे उसी में बैठा हुआ पतित है, नहीं देखो देखो बिंदी में बोला हुआ है बाप को पतित समझने वाले माँ बाप के लिए सही नहीं है, तो ऐसा हमारे जो बाबा की मुरली के बच्चा पास है हम उसको स्वीकार क्यों करें, हम तो बाबा के लाडले बच्चे बने हुए, माँ बाप की पापी लिस्ट हम क्यों, मैं भी तो वही बोला कि मैं बाप को माँ बाप के बच्चे समझता ही नहीं, मैं तो बाप को अभी तो आपने बोला आपकी बातें दो हो जाती है, बोला कि आगे चल करके जब वो सिर्फ समान हो जाएगा हम उस स्वरूप को याद करते हैं, नहीं मैं तो अभी भी उस स्वरूप को याद करता हूँ, अभी है नहीं ना, लेकिन मैं उसके जैसे बाबा आप बोलते हो कि इमर्ज करके है ना याद मोदी चलाते हैं, मैं भी राम की इमर्ज करके का मोदी चलाते का मतलब आत्मा इस संसार में थी तब इमर्ज हो रही, तो मैं आप तो वो अभी है ही नहीं, राम की निराकारी स्टेज मेरे सामने नजर आती है, अभी तो नहीं है वो सदाकाल, अभी होती तो और शिव जयंती हो ही जाती, अभी सदाकाल की निराकारी स्थिति अभी तो नहीं है, नहीं, नहीं। जो अभी नहीं है लेकिन हम उसमें उस शिव तत्व को देखते हैं, हम उसको नहीं देखते, देखने की दृष्टि वृद्धि करनी है, देखने की दृष्टि वृद्धि किसको देखते हैं, पढ़ाने वाला कौन है, देखने की आपको जो मिला है वो पढ़ाई किसने पढ़ाई, क्या तो ने पढ़ाई या शिव सुप्रीम सोल ने पढ़ाई, टीचर कौन है हमारा, राम बलियात्मा टीचर है या शिव सुप्रीम सोल टीचर है, उनके जो वर्सन्स है वो ब्रह्मा के द्वारा माँ का पार्ट बजाया शिव ने बजाया या दादा देवराज ब्रह्मा ने बजाया किसने बजाया,
शिव ने बजाया, शिव ने कैसे बजाया, लेकिन शिव को तो माँ की फीलिंग होती ही नहीं है, तमेव माता च पिता तमेव तम शब्द जो है दाऊ एक के लिए उपयोग होता है, तम युवाम और युवियम माने तुम सब, तो तम शब्द जो आया हुआ है तमेव माता क्या पिता आत्मेव, तो वो उस तो ये बिंदी के लिए गायन है, नहीं बिंदी के लिए गायन नहीं, वो बिंदी जब साकार बनती है उसके लिए है। हमारी दृष्टि जो है, हमारी दृष्टि जो है वो चैतन्य आत्मा की तरफ रहे, शरीर की तरफ नहीं। शरीर तो एक हाड़ मास का पुतला है, एक ढांचा है, जैसे बड़ी मम्मी है, बड़ी मम्मी तो ढांचा है बड़ी माँ का, लेकिन वो डब्बे में काम कौन करता है बड़ी माँ का, ब्रह्मा, तो ब्रह्मा की सोल वो सुप्ति में थी है उस तन में, हमें ब्रह्मा को अपनी माता के रूप में स्वीकार करना है, जो मुरली में बोला हुआ है ये वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है, इसलिए कन्या माताओं की संभाल के लिए निमित्त बनाया हुआ है, तो वास्तव में हमारी माँ तो जगदम्बा है कौन, ब्रह्मा, लेकिन तन पुरुष का है इसलिए पूजी नहीं जा सकती, वही जब शरीर छोड़ देता है माँ के चूल्हे में प्रवेश करता है तो संसार में पूजा भी जाता है, ऐसे ही शिव हमारी दृष्टि ये होने चाहिए, हम शिव ज्योति बिंदु से सुन रहे हैं जिसका नाम कभी बदलता नहीं, वो सदैव कल्याण का राम वाली आत्मा कल्याणकारी भी हो सकती है, हिंसक युद्ध करती है द्वापर युग में कलयुग में विधर्मियों के साथ तो अकल्याणकारी है, कल्याणकारी हिंसा बाबा ने कब सिखाई, रामकृष्ण की आत्माएं मंथन करने वाली हो सकती है, इब्राहिम बुद्ध टाइप की आत्माएं मंथन करने वाली हो सकती है, बाकी मंथन करने की क्या दरकार, जो एडवांस है बाबा जो ज्ञानामृत है वो तो मंथन है, वो तो राम का मंथन हुआ, राम का है तो मनुष्य आत्मा और मनुष्य आत्मा ने किया ना, तो देवताओं और असुरों ने मंथन किया ना, कि भगवान ने मंथन किया वही तो मंथन राम, अगर राम कृष्ण की आत्मा मंथन करके हमको ये एडवांस नॉलेज दे रही है वो नहीं देने वाली, तो वो नहीं देने वाली, तो शिव अगर मुरली ने जो बोला वो मंथन किया हुआ बोला, मुरली माना वेद वाणी, मुरली की बात की हो रही है, ये एडवांस नॉलेज की बात है, निकली कहाँ, तो मुरली का जो क्लैरिफिकेशन अभी निकल रहा है वही दीपक भाई बोल रहे हैं कि अगर वो रामकृष्ण की आत्मा दे रही हैं, अगर वो रामकृष्ण, अच्छा तो वो शिव में ऑलरेडी पहले से ही भरा हुआ है, तो ये सुप्रीम परमात्मा शिव बिंदी दे रहा है, वो शिव सुप्रीम उसमें बाप के रूप में प्रवेश करता है, तो संग के रंग से जो निराकारी स्टेज बनती है वो निराकारी स्टेज मंथन कराती है, राम की आत्मा की निराकारी स्टेज मंथन करके संघ के रंग से ये एडवांस नॉलेज दे रहा है, राम की आत्मा शिव सुप्रीम सोल के संघ के रंग से जो निराकारी स्टेज बना लेती है, तो जितना ही निराकारी बनेगा जितना ही सूक्ष्म बनेगा उतना ही विस्तार पता ही होता है, जैसे बीज है छोटा होता है, बरगद का बीज छोटा होता है लेकिन वो विस्तार हो जाता है, जितना छोटा उतना विस्तार, ऐसे ही यहाँ पर राम वाली आत्मा निराकारी से धारण करती है, धीरे धीरे धारण कर रही है 73 से, तो 73 से ही है, 73 से नहीं 69 से जब से वो यज्ञ आए और जब से उनको रियलाइज हुआ कि मेरा राम की आत्मा मैं हूँ, और ये नहीं कहा जा सकता उसका रियलाइजेशन कब से हुआ, रियलाइजेशन तो तब कहा जाएगा जब सारी दुनिया मान ले, हाँ वो तो सारी दुनिया, लेकिन बच्चा में ये उठू बना ब्रह्मा बाबा ने कर दिया कि मैं कृष्ण जी सोनो रूप कुछ भी नहीं, साक्षात्कार का प्रूफ प्रूफ नहीं है, साक्षात्कार कोई प्रूफ नहीं होते, नहीं उनके लिए वो प्रूफ रहा ना, बुद्धिमान तो बिना प्रूफ और प्रमाण के मानते नहीं है,
वो जो साक्षात्कार है, स्वप्न है, वो उनकी अपने लिए है, उनके लिए प्रूफ, दुनिया कोई नहीं, दुनिया के लिए प्रूफ है, वो कोई प्रूफ नहीं। मतलब बाबा ये कह सकते हैं मंथन तो रामवाली सोल करती है, एडवांस जन रामवाली सोल निकालती है, मगर तभी निकालती है जब इनका संग मिलता है, जब सिलता है संग बगैर तो हो ही नहीं सकता है। जब निराकारी एक बनती है, मतलब ये निमित्त तो बनता है, मगर निमित्त बनाने वाला शिव ही है। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। कुछ पार्ट होगा इसलिए ये शिव है, ये राम है। अगर शिव इस राम को ऊपर खींच रहा है तो राम का अपना पुरुषार्थ क्या है? उस आधार पर उस ये और किसी में नहीं प्रवेश करता, वो उसी में। शिव जो है वो राम का भी रचयिता हो गया इस समय। राम तो देहधारी का नाम है, सिर्फ देह को नहीं रचता है। नहीं, राम तो आत्मा को भी नहीं रचता, राम वाली सोच सिर्फ रचयिता नहीं है। रचयिता और रचना का संबंध साकार में होता है। शिव को रचयिता नहीं कहेंगे, आत्मा को रचयिता नहीं कहेंगे। आत्मा जब तक शरीर में प्रवेश न करे तब तक रचयिता भी नहीं और रचना भी। अच्छा बाबा ऐसा कह सकते हैं ब्रह्मा बनाम कृष्ण तो राम बनाम शिव बनाम नहीं क्या क्या बनाम एक ही बात है कृष्ण विरोध में भी आ जाता है। बनाम विरोध को भी बोलते हैं अपोजिट वर्सेस। हाँ वो जो कुश्ती लड़ते हैं उसको बनाम बोलते हैं हिंदी में। उर्फ माना उर्फ मतलब वही की वही पार्ट। हाँ ब्रह्मा उर्फ कृष्ण और राम उर्फ शिव। राम और शिव राम शिव उर्फ बदल तो वही हो गया। शिव मेरा नाम शिव ही है, वो कभी बदलता नहीं। मुझे बोला कि नहीं बोला। मेरा नाम शिव ही है, शिव माना कल्याणकारी, वो कभी बदलता नहीं। जब शरीर बदलते हैं तब दो नंबर, राम के शरीर में प्रवेश किया दो नंबर, ब्रह्मा के शरीर में दादा लेकर आए शरीर में प्रवेश किया दो नंबर। राम दादा लेकर के तन में शिव का नाम कैसे बदल गया? ब्रह्मा हो गया। और राम के तन में शंकर हो गया। शंकर को तो बोलते हैं तीन आत्माओं का पार्ट है। तीन आत्मा शंकर तभी होता है जब उसे तीनों आत्माएं मिक्स हो जाती है। शिव शिव को ब्रह्मा से अलग किया ही नहीं जा सकता है। छोड़ने पर जो ब्रह्मा की कुल है वो कृष्ण की सोल अभी भी शिव से ही पढ़ाई पड़ती है, अभी भी संपन्न नहीं है, अभी सूक्ष्म शरीर के बंधन में अलग नहीं किया जाते बाबा बोलते हैं, अलग नहीं किया जाते बाबा बोलते हैं, मगर वो तो मानता ही नहीं कि गीता का भगवान खुद को समझ रहे हो। एकाध जन्म गीता का भगवान चलता चला आया समय तो लगेगा। उस व्यक्तित्व के सामने ही तो ये हुआ ना सारा। सोल वही है और सारी दुनिया ने गीता का भगवान कृष्ण को माना, वो सुन रहा है समझ रहा है। हो सकता है कि उस आत्मा ने ये प्रभुवंदा भी सबसे जागृति किया हो, तो प्रेशर से जो रंग भरी हुई है वो एकदम कैसे निकल जाएगी? टाइम लगेगा ना। जिस समय ये बुद्धि में बैठ जाएगा कि गीता का भगवान भूल ये कि आज वाला प्रजापिता था, जो आज में है सो ही अंत में समझने लगा था ना। तो बाबा ऐसी बात सिर्फ सुप्रीम सोल ने उनके तन के द्वारा बोला, वो नहीं समझने लगे कि आने वाले 10 वर्ष में वो नहीं समझने लगे विनाश होगा, पहले वाले पूरा अंदर राज्य होगा, वो नहीं पूरा समझने लगे। जो मम्मा सरस्वती चली गई उन्होंने करेक्शन किया कि प्रजापिता शब्द जोड़ो, फिर भी ब्रह्म कुमार कुमारियों ने प्रजापिता अपने नाम के आगे फिर भी नहीं जोड़ा। बोल्ड में तो ऋषि जोड़ा नहीं, नहीं जोड़ा। बाबा इनको कंफ्यूजन है कि भारत कौन है? अपना कंफ्यूजन बाबा सकते शिव की शिव का मन ब्रह्मा है, शिव का मन ब्रह्मा यानी कृष्ण की सोल, शिव का मन
मन रूपी ब्रह्मा बोले जाता है। मन सिंपल नहीं होता, मन मन उसी कहते हैं मन रूपी ब्रह्मा, मन उसी कहते हैं जो मनन चिंतन करे, सिर्फ मनन चिंतन करता ही नहीं, करता ही नहीं, इसलिए उसका स्वरूप मन नहीं है कभी। नहीं आज भी मनन चिंतन नहीं करता, पहले भी मनन चिंतन नहीं करता था, और आगे भी कभी उसको मनन चिंतन मंथन करने की दरकार नहीं। जैसे हमको एडवांस नॉलेज में पढ़ाया गया है, जैसे आत्मा में मन बुद्धि संस्कार होते हैं, जैसे परमात्मा के मन बुद्धि संस्कार है, जैसे हम परमात्मा कहते हैं वो व्यक्ति बदल जाता है, व्यक्तित्व बदल जाता है। हाँ, तो परम पिता अलग और परमात्मा अलग, हमेशा परम पिता पहले, परमात्मा बाद में, तो परमात्मा सबसे कहा गया है हीरो पार्टनर बराबर। तो परम पिता हो गया शिव बिंदी, और परमात्मा हो गया राम की निराकारी स्टेज परमात्माओं के मुकाबले। परमात्मा जो है वो हो गया राम की और आत्मा हो गई, परमात्मा वो हो गया जो सत्यरूपी रंगमंच पर हर समय 5000 वर्ष में भी और शूटिंग पीरियड में भी हीरो पार्ट ही बजाता है। आप भले उसको नीच पार्ट समझे लेकिन वो हमेशा ही हीरो पार्ट होता है। तो राम हो गया वो वाला सोल जिसको परमात्मा बोल दो, जो परम जब राम की निराकारी से 100% बन जाती है तो वो परम पिता परमात्मा वही पहुंच जाते हैं, बन जाती है नहीं, जो आदि में होती है वही अंत में होता है, वही जो आदि में होता है। तो जब परम पिता परमात्मा कम्बाइंड हो जाता है, समय सक्सेस में आया था, क्लैरिफिकेशन दिया था, उस समय भी निराकारी स्थिति थी। ज्ञान में जब आता है, बेसिक नॉलेज में जब आता है, तब भी वो निराकारी स्टेज प्राप्त करता है, और जब एडवांस में पक्का होता है तो भी निराकारी स्टेज में ही प्रत्यक्ष होता है। कौन सा ये निराकारी स्टेज ही ब्राह्मण बच्चों के सामने भी प्रत्यक्ष कराती है, और सारी दुनिया के सामने ही वो निराकारी स्टेज प्रत्यक्ष कराएगी। तो वही कम्बाइंड परमपिता परमात्मा का रूप हो जाएगा। तो जब परमपिता परमात्मा का कंबाइंड रूप हो जाएगा और राम वाली सोल शिव के एक साथ जुड़ के परमपिता पिता का मतलब ही है शिव। हाँ वही, तो राम और शिव जब कंबाइंड होकर परमपिता परमात्मा हो जाते हैं, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि फिर प्रजापिता कौन है जिसमें वो आके प्रवेश करेगी? कैसे राम वाली आत्मा को अपने परमात्मा भी बना दिया, अपने प्रजापिता भी बना दिया? राम माने ही बाप और कृष्ण माने ही बच्चा, बाप जो है वो बाप का ही पार्ट बजाता है, ये क्योंकि आदि में भी बाप था, मध्य में भी बाप है, और अंत में भी संसार का बाप बन के प्रत्यक्ष होगा। निराकारी बाप की साकारी बाप, मनुष्य शक्ति का बाप जब कहा जाएगा तो साकार भी जाएगा, और आत्माओं का बाप जब कहा जाएगा तो निराकार होगा। बिंदु बिंदु आत्मा है वो शिव के लिए, साकार जब कहा जाएगा तो मनुष्यों का पिता होगा, मनुष्यों का पिता राम है, अब उसे प्रजापिता को, इसलिए तो मुझे बोला हुआ है। नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण। ये क्यों बोला? इसीलिए बोला है कि जो नारायण है वही कृष्ण है और वही प्रजापिता है, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर। लेकिन मुरली में तो कहीं एक भी नहीं बोला कि राम नारायण बनकर, एक भी मुरली नहीं आई है। आप केसर राम राज नहीं है ना, केसर में है राम राज चलता है। हाँ। राम राज चलता है, राम राज शिव जी के द्वारा होता है। राम राज राम वाली राम राज राम राज शुरू होता है, राम वाली सोल सत्य को राम राज कहेंगे, जब शिव बाबा बन जाती है सत्य को राम राज कहेंगे, तो जो राम राज है वो किसके द्वारा शुरू हुआ? दुनिया में राम का राज्य किसके द्वारा शुरू हुआ? प्रैक्टिकल में निमित्त कौन होता है? नर से नारायण कौन बनता है? शिव बाबा, नर शिव बाबा, शिव ज्योतिबिंदु नर से नारायण नहीं बनता। नर कौन है? एक पुरुषार्थ करने वाला नर कौन है? अगर हम राम को नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं वो कहते हैं, तो राम को हम 16 कला तक निमित्त कर देते हैं। लेकिन राम तो सुनो सुनो 16 कला से भी ऊपर है। कृष्ण का जन्म किससे होगा? कृष्ण का जन्म किससे होगा? कृष्ण का जन्म उससे होगा जो व्यक्ति राम शिव बाबा बन जाए, क्योंकि मुरली में बोला है राम शिव बाबा। तो कृष्ण को टाइटल मिलेगा, नारायण का टाइटल मिलेगा,
सत्य के कृष्ण को नारायण का टाइटल मिलेगा, कौन देगा? तनधारी वही होगा, तनधारी ये तन से ही कृष्ण भी प्रत्यक्ष होगा, स्वयं नारायण नहीं होगा, लेकिन वही कृष्ण फिर नारायण बनेगा, क्योंकि मुरली में बोला है कृष्ण ही नारायण बनता है। नारायण कैसे बनेगा? संगम में भी कृष्ण नारायण बनेगा, संगम ये बनिए, संगम में भी कृष्ण नारायण बनेगा। हाँ, तो संगम में भी कृष्ण जो है वही नारायण के बन के सत्य के नारायण को तो किसी ने देखा ही नहीं है। नहीं देखा तो क्या हुआ, बुद्धि समझी जाती है, लेकिन सत्य का नारायण जो है, अगर हमने सत्य को नहीं देखा है तो हम सत्य को मानेंगे? हमने स्वर्ग को देखा ही नहीं तो हम स्वर्ग को मानेंगे नहीं? नहीं है, हमने शिव को देखा नहीं है तो हम शिव को मानेंगे नहीं, हमने आत्मा को देखा नहीं है तो हम आत्मा को मानेंगे नहीं। बहुत सी चीजें ऐसी होती है समझ नहीं जाती है, जैसे हवा है उसको महसूस करते हैं ना, वैसे महसूस करते हैं ना बाबा। राम शिव बाबा भी बन जाए, राम नारायण भी बन जाए, मेरे को ये चीज समझ में आई। राम शिव बाबा बहुत क्योंकि पर नहीं रहता है, वो परमधाम राशि होकर के रहता है, वो अलग है, वो उसको राम नाम भी नहीं कहेंगे। एक अव्यक्तवाणी में आया है कि जितना जितना बुद्धि योग बाप के साथ यहाँ रहेगा उतना उतना 84 जन्मों में भी बाप के साथ तुम नजदीक में रहोगे, ये एक अव्यक्तवाणी में आया है। तो अगर हम रामकृष्ण जो साथ तो मेरा रामकृष्ण जो है वो साथी हो जाएंगे, रामकृष्ण तुम्हारे साथी हो जाएंगे, और शिव बाप मेरा कार्य जो है वो साक्षी हो जाएगा। हाँ, तो मैं अभी जो बुद्धि योग किस बात से लगाऊं, जिस बात के साथ मेरा 84 जन्म का पार्ट है, या जो बात एक भी जन्म लेता नहीं है जो आकर उसके बाद अलग अलग नहीं कर सकते, तो पूरे काल में जब वो अलग अलग हो गए तो मैं संगम युग में दोनों को अलग अलग करना मानव प्राप्ति से वंचित हो, जो असली प्राप्ति है उससे वंचित हो जाए। ये है हमारी प्रवृत्ति मूल, कौन सी? आत्मा और शरीर, शरीर हमारा प्रकृति माता, नेचर हमारी माता है, और शिव जो है वो पिता है। तो शिव पिता पहले पहले जिस शरीरधारी में आकर के ज्ञान देता है, वो शरीरधारी ही वास्तव में एक तरह से आधार हो गया, पेट में आत्मा इन दोनों को अलग नहीं करना, जैसे पिंड होता है ना पेट में, तो आत्मा में आत्मा तो ऐसे ही पिंड है, यही कि आदमी वो पिंड है, उस पिंड में उस पिंड में प्रवेश किया तब दोनों की प्रवृत्ति हो। अब ये आत्मा है, शरीरधारी ये आत्मा है, तो इधर ये शरीरधारी में शिव ही है, ये हमारे लिए ये हमेशा इंटेंशन हमारा रहना चाहिए, हम शिव से सुन रहे हैं, हम शिव से दृष्टि ले रहे हैं, हम पतित होने वाले से दृष्टि लेने वाले नहीं है। शरीर का आधार क्या? ये आत्मा है बाबा, हो गए इसका मतलब याद करते समय भी वो शिव अभी ये तन में है, ये भी अलग अलग नहीं करना है, बस वही शरीर है और इसमें शिव है, ये भी बुद्धि में है कि राम की आत्मा भी है, ये भी बुद्धि में है कि कृष्ण की आत्मा भी है, तीनों आत्माएं हैं, लेकिन हम किससे पढ़ रहे हैं, हम किससे पढ़ रहे हैं, ये ध्यान में हम शिव से पढ़ रहे हैं, हम नहीं इब्राहिम पढ़ाने वाला है ना, हमें वो ब्रह्मा पढ़ाने वाला है, और मेन बात ये है कि हम किसी देदारी से नहीं पढ़ रहे हैं, हम शिव से पढ़ रहे हैं, ये हमारा शिव शिव बाबा है। बात अगर ये बुद्धि में रहेंगे बाद में बनेगा संपन्न, अरे हमारे सामने संपन्न मौजूद है, तो अभी वंचित रहेंगे, अब वंचित रह जाएंगे उतने समय तक के लिए। भावना बहुत बड़ी चीज है, वो सोच थोड़ी सी बदलने कुछ नहीं, सोच बदलने बनना तो है बाद में, लेकिन जो बाद में बनना है वो तो बाबा जब देखी जाएगी तब देखी जाएगी। बाबा ने बोल दिया तुम्हारी जो अव्यक्त स्टेज है, निराकारी स्टेज है, वो बाप को प्रत्यक्ष करेगी, बाप को प्रत्यक्ष करेगी, बराबर बराबर। इसका मतलब अभी 24 घंटे निराकारी स्टेज नहीं है ना, टाइम आएगा काम पूरा हो जाएगा, पूरी हो जाएगा, प्रजापिता के प्रजापति भी तो बनना ही है ना, आदमी उस तंदारी के लिए कहा है वो तुम्हारी अव्यक्त थी, तुम्हारी अव्यक्त तुम्हारी अव्यक्त से आपको प्रत्यक्ष करेगी, बराबर बात, बिल्कुल बराबर है, ये तो 100% जरूर बात है। मतलब ये हुआ कि एक ही आत्मा जब साकारी होती है तो उसको प्रजापिता का टाइटल मिलता है, साकारी मन हमेशा ही साकारी साकारी वो हमेशा रखवाला है, और जब
वही आत्मा राम वाली जो राम वाली सोल निराकारी बन जाती है तो शिव बाबा बन जाती है। वो बन नहीं जाती है, बन नहीं जाती है, आप उनको आप समझ बना लेता है। मतलब शिव राम को बना लेता है, वो आप समझ बना प्रसाद क्या हो गया? राम का प्रसाद अपना इतना ही है तो जो 63 जन्म उन्होंने पाठ बजाया है वो सच्चाई को पकड़ करके बजाया है, जैसे यहाँ मुक्ति को पकड़ करके पाठ बजाता है ऐसे वहाँ 63 जन्म में भी वो सच्चाई को पकड़ के पाठ बजाता है। झूठ को स्वीकार करने वाले को स्वीकार नहीं करे, इतनी बड़ी दुनिया में कोई तो आत्मा होनी चाहिए जो आज से अंत तक चकराने वाली हो, इतनी बड़ी दुनिया में कोई तो आत्मा होनी चाहिए जिसका सिर्फ पति पत्नी के रूप में एक से ही संबंध बना हो। बाबा इनका सवाल का ऐसा जवाब दे सकते हैं जैसे इन्होंने कहा फिर उसके खुद का पुरुषार्थ क्या है? तो हम यूं मानेंगे जैसे हम हमारा समय दे रहे हैं, जैसा हमारा तन मन धन, ऐसे उस आत्मा ने अपना सब कुछ दे दिया पहले दिन से, ये कहा जा सकते ना बाबा? इनको कहना है कि उसका खुद का पुरुषार्थ क्या है? वही एक है जिसने शुरू से अंत तक सब कुछ को पूरे समय के लिए दिया, जैसा हमेशा निश्चय से ही रहा, अनिश्चय से आया नहीं, वही उसका पुरुषार्थ रहा। निश्चय बुद्धि निश्चित मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे कह सकते बाबा जैसे हम कहे ये हमारा पुरुषार्थ है वो नंबर एक उसने किया, नंबर एक में सबसे जाती हाईएस्ट नहीं, ये मुरली का वाक्य ये तो अव्वल अजय भाई का कहना है फिर उसका पुरुषार्थ क्या? तो जो हम हमारे लिए पुरुषार्थ समझते हैं वो उसने एक नंबर में किया। मेरे को ये चीज कभी भी समझ में नहीं आती कि राम 16 कला संपूर्ण बनने का पूछा, वो तो कलातीत है, वो तो कलातीत बनने का पूछा कर रहा है, वो तो शिव समान बनने का पूछा कर रहा है, इसीलिए वो शिव समान बनने का पूछा कर रहा है, इसीलिए शिव उसको खींच रहा है। नहीं, ब्रह्मा को क्यों नहीं खींचा शिव ने? एक बात, ब्रह्मा को क्यों नहीं खींचा? एक बात, एक बात, जब बाबा कहते हैं तो मैं ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना, तो किससे बात करते हैं? तो फिर वो राम वाले की बात कैसे? जब जब बाबा ये भी कहते हैं मुरली में कि वो बात टीचर सदगुरु है, तो वो शिव बैठा ब्रह्मा के तन में और बोल रहा है वो बात टीचर सदगुरु, तो वो राम को ही मर करके बोल रहा है। अकाल अकाल मूर्त है, उसकी नीति भी है और जिसको काल नहीं खा सकता है, काल शरीर को खाता है, आत्मा खाता है, शरीर को खाता है, माने कोई शरीर ऐसा दुनिया में है कि सारी दुनिया को काल खाते हुए देखेंगे, उस शरीर शहरी को काल खाते हुए कोई नहीं देखेगा। तो फिर वही तो सद्गुरु हुआ ना, तो वो सद्गुरु हुआ ना, तो उस हिसाब से ये सद्गुरु का जो पार्ट है वो सुप्रीम ज्योतिबिंदु का नहीं है, वही तो मैं बोल रहा हूँ ज्योतिबिंदु का नहीं है, वो जब जब प्रवेश करता है शरीर में तब उसका पार्ट है। हम अभी भी स्वीकार कर सकते हैं, मैं ये समझता हूँ कि जब राम वाली सोल 100% निराकारी बन जाएगी तो वो बात टीचर सदगुरु एक ही तन के द्वारा, एक ही तन के बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ और सदगुरु। सदगुरु को दुनिया इतना मानती है कि माँ को नहीं मानेगी, बाप को नहीं मानेगी, टीचर को नहीं मानेगी, लेकिन सदगुरु को वो सबसे आगे रखती है। तो अगर हम उसमें लेफ्ट कर जाएंगे तो हमें घाटा हो जाएगा, अंतर पड़ जाएगा। वही है कि यही मेरा एक बेसिक अंतर है, वो उसको अंतर को खत्म कर दीजिए। बीबी के समझते हैं कि बिंदी है जो राम के तन में बात चीजें सदगुरु का पाठ भेजा रहा है, और मैं समझता हूँ कि राम वाली सोल की निराकारी से ही बात चीजें सदगुरु बन के हमको पार लगाएगी, क्योंकि बिंदी पार नहीं लगाने वाली, बिंदी हमको पार नहीं लगाने वाली, बिंदी हमको पार कहाँ ले जाने वाली है? वो बिंदी तो हमको मुक्ति पार ले जाने वाली है, हमको पार जाना है इस भवसागर से दूसरे भवसागर में, तो इस भवसागर से दूसरे भवसागर में राम वाली सोल 100% निराकार स्टेज में हमको ले जाएगी, बस ये मेरा बेसिक मानना है। ये गलत है बाबा, हम ये ले जाने वाली नहीं है, अकाल मूर्त वही है राम वाली, अकाल मूर्त सदगुरु के रूप में शिव जब प्रवेश करता है साकार में तब सदगुरु, उसको हम अलग कर देंगे। शिव को कभी हमें अलग नहीं करना, लेकिन बाबा मैं शिव को अलग कर ही नहीं रहा हूँ, मैंने राम वाली आत्मा को पहचाना है किस आधार से? मुर्गियों के आधार से पहचाना है,
तो जब मैंने मुरलियों को मान दिया तो मैंने शिव को तो मान दे ही दिया, तो मैं शिव को अलग क्या कर रहा हूँ राम से? मैंने राम वाली आत्मा को पहचानने का आधार लिया शिव की वाणी। शिव की वाणी को मैं समझता हूँ कि ये परमात्मा, ये बिंदु शिव है। बातों में द्वैत पैदा हो रहा है, द्वैत ये पैदा हो रहा है कि अभी आपने कहा, हमने वीरभद्रप्पा का मिसाल दिया कि आज से 8-10 साल पहले वीरभद्रप्पा का नाम का एक कर्नाटक का भाई आया था, वो ये कहता था कि शिव अलग से कुछ नहीं है, शिव तत्व अलग से कुछ नहीं है, जो राम वाली आत्मा है वो ही कुछ, जैसे जैनी लोग समझते हैं, जो राम वाली आत्मा है वो ही पुरुषार्थ करके शिव बन गया। तो वही तो बिल्कुल राम बात, लेकिन बाबा वही तो अध्ययन हुआ ना, द्वैत तो वो हो गया कि हम शिव को अलग कर रहे हैं राम को अलग कर रहे हैं, हम दोनों को मिलके जब जोड़ देंगे तो वो द्वैत कहाँ रहा, वो तो अद्वैत हो गया था। नहीं अद्वैत नहीं, वो परमधाम में रहता है 5000 साल, रुक जाओ, वो परमधाम में 5000 साल रहता है, और जो श्री सच्ची रूप में वरा मंच पर 5000 साल रहता है, तक आया जो एक पहला मूल श्लोक है वेदवाणी का, वो यही है कि ये संसार रूपी पक्षी है, इसमें दो मुख्य पक्षी हैं, एक अभोक्ता है और एक भोक्ता है, माने अभोक्ता को आप निकाल देंगे। मैं अभोक्ता को कैसे निकाल रहा हूँ? तो आप कह रहे हैं कि वो दोनों एक ही है, अभोक्ता हो नहीं सकता क्योंकि बिंदी को तो सारे कल में अपना शरीर है नहीं, अभोक्ता भी राम वाली सोल है, शूटिंग पीरियड के दौरान पूरे संगम युग में राम वाली सोल अभोक्ता है। अशुद्धता कौन है? राम वाली सोल जिस, हाँ, राम वाली सोल जिस दिन 73 में, अशुद्धता कौन है? वही 73 में समझाने के लिए आपकी बात, राम वाली सोल जब अपना पार्ट समझ जाता है, अशुद्धता कौन है? राम वाली सोल 73 में जब वो अपना पार्ट समझ जाता है कि ये मेरा पार्ट है शिव बाबा बनने का, तो उस दिन से वो अशुद्धता बन जाता है। नहीं नहीं नहीं, आपका 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 जो है ना, क्योंकि आपका अपना मंथन है, हमारे से पूछेंगे तो आप ये बताएंगे, ये बिल्कुल रंग बात है, मंथन तो अभी भी जा रही है, क्योंकि अशुद्धता अगर हम बिंदी को बोल रहे हैं, मंथन हुआ 14 रतन निकले, अभी पूरा मंथन हुआ है क्या? नहीं हुआ। क्या सब असुरों ने और सब देवताओं ने मिलकर के मंथन का काम पूरा कर लिया क्या? अरे भाई वो इतना मान लो अंत की बात है, वो नहीं बाबा, ये मैं ये बताता हूँ, ये ऊपर वाला अंगूठा जो है वो शिव है, नीचे वाली उंगली राम है, वो शिव है, वो राम है, वो राम है, अब ये शिव की शिव तो बन गई, ठीक है, पर मैं तो ये समझाता हूँ, मेरे मुंह में मेरी मोटी बुद्धि में और बात नहीं है, मेरी मोटी बुद्धि में और कोई बात आती नहीं, शिव और राम नहीं, मेरे ज्ञान आता नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं, हो गया ना, हाँ वो तो बोल रहा हूँ बाबा, हो गया, पर मैं तो ये समझा ब्रह्मा विष्णु शंकर बस, और ये तीन जो है वो मन बुद्धि और संस्कार दे दिया आपने, ये थोड़ा प्रसंगांतर हो रहा है, इनकी बात जो है इनके इनकी नहीं बाबा, मेरे मोटी बात तो समझ में ठीक है, तुम बात करो, एक मिनट और बाबा, ये राम बोल रहा है, एक मिनट, आप आत्मा को सही को अलग तो मानते हैं, दो अलग अलग चीज, तो राम की हिंदू आत्मा और शिव की हिंदू आत्मा दो अलग अलग तत्व हैं, बिल्कुल बिल्कुल, उनमें एक असोचता और एक सोचने वाला है या नहीं है, आगे जो कुछ बन जाएगा अभी वर्तमान में, ये बाबा ये टाइटल भी जो है अशोचता, नहीं ये सोचता असोचता जन्म और अभोक्ता, ये टाइटल भी समय अनुसार है, हम बिंदी को कैसे बोलेंगे बताइए, वो बिंदी बिंदी वो बिंदी, अच्छा अंत में जब शिव जयंती होगी, शिव की जयंती कार होगी, जयंती तो संक्षेत्र में ही हो गई, ऐसा मतलब आप आते तो वाली नहीं मानते, जयंती हुई लेकिन किसके सामने हुई, विश्वेशा में थोड़ी हुई, सारे विश्व के बच्चा पैदा होता है तो पहले घर वालों को पहचान होती तो बोला है, फिर मोहल्ले वालों को पहचान होती है, फिर सारी दुनिया को पहचान होती है, ऐसे ही जो बालक भी है वो भी सच्चा छोटा है, तो जिस सृष्टि की मूल बीज रूप चार आत्माएं हैं वो पहचान, इसी तरह फिर वो दायरा बढ़ता चला, तो वो तो अंत में छोड़ के चली गई, नहीं वो तो ठीक है, किसी का सदाकाल, किसी का पार्ट जो है सदाकाल साथ निभाने का है, और किसी का पार्ट दिलाने का नहीं, तो जो बीच में छोड़ आज से अंत तक आप निभाता है, हाँ। उसको प्राप्ति ज्यादा होती,
तो वो बीच कैसे हुए फिर जब वो पहचाने और छोड़ के चले गए और अंत में जिन्होंने साथ निभाया अंत तक नहीं। मगर बाबा ये भी कहते हो भाई साहब कहते थे मतलब उन्होंने पूरा पहचाना नहीं था फाउंडेशन फाउंडेशन वो नहीं था जो राम वाली आत्मा था तो जो अंत में शिव की जयजयकार करेगा उसकी महिमा ज्यादा होगी या वो 76 वाले की महिमा ज्यादा होगी। ऑब्वियसली जो अंत में शिव की जयंती कराएगा उनकी महिमा ज्यादा होगी। यदि आदमी जो चार थे उन चार उन तीन बीजों में तो अशिव नहीं तो एक्चुअल शिव की जयंती तो मनानी अभी बाकी है ना। जब त्रिमूर्ति की शिव जयंती जब राम की 100% निराकारी स्टेज हो जाएगी और वो इसी प्रण द्वारा जयंती माने शक्ति पर आ गया हमारी बुद्धि में ये बैठ गया इससे भी शक्ति पर जन्म ले गया माना प्रत्यक्ष हो गया तो कोई के लिए पहले प्रत्यक्ष होगा कोई के लिए बाद में प्रत्यक्ष आप कहेंगे बाद में प्रत्यक्ष होगा ऐसे क्यों। लेकिन शिव जयंती सो कृष्ण जयंती सो गीता जयंती ये तीनों जयंती एक साथ मनाएंगी तब 76 में बोलेंगे या 2010 में बोलेंगे। जब जिसकी बुद्धि में बैठ जाएगी ये गीता का पार्ट है ये झूठी गीता का पार्ट है ये शक्ति गीता का पार्ट है ये शक्ति गीता शिव गीता उससे एक सेकेंड में स्वर्ग बनता है ये झूठी गीता उससे 2000 वर्ष में ये शक्ति दर्द बन जाती है बैठना है। तो ये पीबीके की दुनिया नरक नहीं बनेगी अभी तो और ज्यादा नरक बनेगी की दुनिया अगर नरक बनेगी पीबीके की दुनिया और ज्यादा नरक बनेगी लेकिन उसमें एक दुनिया ऐसी भी होगी जो नरक के अंदर स्वर्ग का बरसा अनुभव करेगा। तुम बच्चे आना जाना करते हो ना क्यों बोला ये बिल्कुल बराबर स्वर्ग में एक बार पहुंचे तो आना जाना क्यों जब 10 वर्ष की घोषणा की थी तो संक्षेत्र के लिए नई दुनिया की घोषणा की थी पुरानी दुनिया का बिना मैंने नया संगठन स्थापन हो गया उससे भी ज्यादा पावरफुल संगठन अभिस्थापन क्योंकि दूसरी मूर्ति का कार्यकाल पूरा होगा बिल्कुल बराबर। जब तीसरी मूर्ति का कार्यकाल पूरा होगा तो 9,16,108 की जो नई दुनिया है वो कंप्लीट प्रत्यक्ष हो जाएगी कंप्लीट उसे कहा जाएगा। या कृष्ण जहाँ जन्म लेगा जिस माहौल में लेकिन जो नरक में स्वर्ग जो देखने वाले वो ज्यादा भाग्यशाली हो वही ज्यादा भाग्यशाली भाग्यशाली बराबर बात यहाँ तो कोई जरा तरह भी वो नहीं है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात जब बोलते हैं ब्रह्मा के दिन को ब्रह्मा की रात को ब्रह्मा का दिन का नाम बनाने वाला कौन ये मुर्गी ने प्रश्न किया है। ब्रह्मा की रात को ब्रह्मा का दिन बनाने वाला कौन कोई तो निमित्त होगा। तो उससे पहले ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान निर्विना तो प्रगटा कब और चंद्रमा कब तक प्रगटा नहीं वही कहना चाहता हूँ कि अगर ब्रह्मा का रात चल रही है अभी तो आगे चल के जब ब्रह्मा का दिन होगा तो वो ब्रह्मा का दिन कौन निमित्त बनेगा बिंदी शिवबाबा या राम शिवबाबा। वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है कौन सी ये अच्छा आकर से पहले ही बोला ना दादा लेख रहा है दादा लेख रहा है सोल तो बोला तुम्हारी जगदम्बा है क्योंकि सही शक्ति का पार्ट और बजाया नहीं शक्ति का वो राज वो पार्ट किसी ने नहीं बजाया तो वो गुणराज का पार्ट बजाने वाली जो माँ है वो प्रवेश करती है उसको कोई कब्जे में कर ले छल क्षेत्र कपट करके अपने बगल में कर ले वो बात अलग है लेकिन ठीक है तो वो जगदम्बा पाठ बजा रहे जगदम्बा के है
ओरिजिनल पार्ट तब बजाती है जब ब्रह्मा की सोल संपन्न रूप में जगदम्बा को कन्वर्ट करके मतलब अभी कृष्ण की सोल ने माँ जगदम्बा में प्रवेश नहीं किया, रात चल रही है, इसलिए महाकाली का पार्ट अभी बजना है। तो अगर ब्रह्मा की रात चल रही है तो फिर हम बच्चों के लिए रात होनी चाहिए, हम सबकी रात है, सबको नित्य अनित्य आ रहा है, सबकी रात एक के अलावा प्रजापिता की रात और दिन नहीं कहा जाता है। बराबर प्रजापिता की रात दिन होती नहीं, तो जब ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात चल रही है तो रात्रि में भक्ति होगी या ज्ञान होगा, भक्ति उसके बगैर तो हो ही नहीं सकता, रामायण नहीं चलेगा। रात्रि के समय तो टोटल भक्ति होती है, ज्ञान होता नहीं है। मुरली में बोला है कि जब भक्ति चलती है तब रिंचक मात्र भी ज्ञान नहीं होता, और जब ज्ञान होता है तब रिंचक मात्र भी भक्ति होती है। तो ये महावाक्य से मेरा मंथन ये चलता है कि अभी फिलहाल टोटल भक्ति चल रही है। आप जो है दूसरों को क्यों पकड़ते हो, आप उच्च से उच्च को क्यों नहीं पकड़ते, आप प्रजापिता को क्यों नहीं पकड़ते, जिस प्रजापिता जी की मोटर बोला उच्च से उच्च पार्ट है नेक्स्ट गॉड इज प्रजापिता, दूसरों को देखना नहीं है, हम क्यों दूसरों को देखना, बाप को देखना है, दूसरों को देखना हमारा माता खराब होता रहे। आचार विचार अगर हमारा ब्राह्मणों के साथ ज्ञान का मेंटेन नहीं होगा तो हमारा टाइम पास नहीं होता है। ऐसा ना हो हम ब्राह्मणों के साथ ही घुल मिल जाए और जो मूल है उसको भूल जाए, एंटरटेनमेंट करें, मूल तो भूल ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि जो दिया हुआ मूल का है उसी को ऊपर हम मंथन कर रहे हैं, तो मूल तो हम बीच में रखते हैं, उसी के दिए हुए मूल के आधार पर इब्राहिम अपनी जनरेशन बनाते हैं, उसी के दिए हुए ज्ञान के आधार पर क्राइस्ट अपनी जनरेशन बनाते हैं, लेकिन जुदा हो जाते एक नुक्ते में ही जुदा हो जाते, दूसरों के साथ ज्यादा अटैच हो जाते हैं, उसके साथ जुदा हो जाते हैं, एक नुक्ते में ही जुदा हो जाते हैं, जुदा हो जाते हैं क्योंकि वो अपने आप को बाप समझने बैठ गए। दशरथ भाई अपने आप को बाप समझने बैठ गए ना, दशरथ भाई तो अपने आप अपने मुझे हुए, हाँ अभी वो तो तरह की बात है, लेकिन जो अलग हुए हैं उन्होंने एक गलती की कि अपने आप को प्रत्यक्ष किया और बाप को छुपाया। यहाँ पे हम जब भी बैठते हैं बाप को ही पहले सेंटर पे रखते हैं कि भाई बाबा ने ये मुझे बताया है, तो इसका आपका मंथन क्या है, आपका मंथन क्या है, आपका मंथन क्या है, मेरा मंथन क्या, तो क्या वो गुरु नानक अगर ये कहते हैं एक सदगुरु निराकार ये सारा ऊपर करते थे, है ना, लेकिन जो ज्ञान सुनाया है उस ज्ञान के आधार पर कहीं ना कहीं मिक्सरिटी ऐसी है जो अंतर कर देती, क्योंकि एक आत्मा के द्वारा जो ज्ञान सुनाया जाएगा वो दूसरी आत्मा के ज्ञान से मिलेगा नहीं कहीं, एक सिर्फ अव्यक्त वाणी है जो मुरली से बिल्कुल पैरेलल चल रही, कहीं क्रॉस नहीं करती। बाबा आपने अव्यक्त वाणी का बताया तो मेरे को एक कंफ्यूजन और है कि अव्यक्त वाणी है कृष्ण बच्चे की वाणी, प्रूफ गुलजार दादी है जरूर, प्रूफ गुलजार दादी कृष्ण बच्चे की वाणी है जरूर, लेकिन जब वो प्रवेश करते हैं गुलजार दादी में तो उस समय उनकी स्टेज जो है अव्यक्त स्टेज होती है, जैसे कि जो मूर्तिकार होते थे जिन्होंने भीत चित्र बनाए गुफाओं में, उन भीत चित्रों के आधार पर शास्त्र बने, शास्त्र बने, तो वो भीत चित्र ज्यादा सत्व प्रधान हुए या शास्त्र ज्यादा सत्व प्रधान हुए, तो वो कलाकारों की कलाकारी, उस कलाकारी के अंदर वो कलाकारी के अंदर सत्व समाया हुआ की सोल जब गुलजार दादी और प्रवेश ऊपर से बोलती है तो इतनी याद की अव्यक्त स्टेज में बोलती है कि भैया बाबा बुलवाता है, प्रवेश नहीं करता लेकिन बाबा बुलवाता है, ज्ञान की वाणी नहीं बोलता, धारणा की वाणी बोलता है, लेकिन कृष्ण की आत्मा को निमित्त बनाता है, तो वो इतनी वाणी क्लियर है कि एक भी मुरली के पॉइंट का क्रॉस ही नहीं करती कहीं, नहीं तो दुनिया में दो आदमी जो बोलेंगे कहीं ना कहीं क्रॉस करेंगे। मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, मुरली और अव्यक्त वाणी में जो कुछ बोला जाता है वो कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता, ये 100%, लेकिन बच्चे की वाणी सिर्फ बाप को क्यों समझानी पड़ती है,
हाथ में ले क्या कृष्ण की सोल जोड़ने वाली कृष्ण की सोल पढ़ने वाली है। जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है वो टेक्स्ट बुक हाथ में लेता है, टीचर जो है उस टेक्स्ट बुक के अर्थ बताता है, अर्थ बताने वाला सुप्रीम सोल है, पढ़ने वाला जिसको हम पढ़ने वाला कहते हैं वो कृष्ण की सोल है, वो प्रजापिता की सोल नहीं है। प्रजापिता की सोल के ऊपर पापों का बोझ इतना ज्यादा है कि उसे सिर्फ याद करने से नहीं पड़ सकते। जन्म जन्मांतर का राजा होगा तो राजा कितने अहंकारी होते, कितने पाप कर चुके होंगे। बड़े से बड़े काम ही काटेंगे आप तो माँ बाप कौन हुआ, अब तो सबका बाप है।